हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। अब ये चैप्टर क्लास 11th में ढूंढने मत निकल जाना, क्योंकि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। बस इसका पर्पज ये है कि क्लास 11th और 12th की फिजिक्स अगर पढ़ते वक्त कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए कैलकुलेशन के लिए कितनी मैथ की जरूरत है उतना ही यहाँ पे बताया जाएगा। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी कि चैप्टर ढूंढो और चैप्टर ना मिले तो पढ़ाई मत करो। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत कुछ है। 1 से लेके 10 तक की जो मैथ है वो सब आनी चाहिए, बट कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिक मैथ में आपको पहली चीज तो एलजेब्रा की जानकारी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए जानकारी, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें दो चीजें आपको दिख रही है, अल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, फिर भी मेरा काम आपको थोड़ा सा रिकैप करवाना है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax2 + bx + c इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मेट या जनरल टर्म जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके बहुत सारे तरीके आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। उसमें से जो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है वो है फॉर्मूले का यूज करना और फटाफट वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला है जो ये आपको याद रखना है। और इसी फॉर्मूले से सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लू मैं, x² - 5x + 6 दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें। दो सोल्यूशन आएंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे ए और बी और सी की वैल्यूज क्या होगी। तो ए क्या होता है, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1 है। इसके बाद बी जो होता है वो एक्स का कोफिशियंट होता है, और एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे है क्या, -5। और सी जो होता है हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, दैट इज 6। अब ये वैल्यूज जो है उठा के इस इक्वेशन में रख देनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो -5 दैट इज 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ गया 25 माइनस 4ac, 4 × 1 × 6, तो ये क्या हो गया, 4 × 6 = 24 डिवाइड बाई 2a, तो 2 × 1 दैट इज। यहां से x इज इक्वल टू 5 + −25 में 24 माइनस किया तो कितना है 1, और 1 का रूट 1, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस साइन को लेते हैं, तो प्लस साइन लेने पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 1 = 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, और 5 - 1 दैट इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि ये फॉर्मूला यूज कर लो, और जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन पे ध्यान देना है आपको। a + b का होल स्क्वायर क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक आपने पढ़ रखा है, तो ये होता है आपका a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। a + b का होल क्यूब, इससे पहले a² - b² को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + b * a - b, ठीक है। a + b का होल क्यूब यानी कि a³ + b³
प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस लगाना है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इनकी जरूरत कभी भी कहीं पे भी पड़ सकती है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास टेंथ में पढ़ रखी है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, सिंपल सिंपल होगी। तो 90 डिग्री का ये एंगल है, अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है बेस, ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। क्यों कहती है, कैसे कहती है, वो आपके काम की बात नहीं है। बात यह है कि अगर यहाँ पे तीन साइड हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी दो साइड अगर गिवन है तो तीसरी साइड इस पाइथागोरस थ्योरम से आ सकती है, ठीक है। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जैसे हमारा साइन थीटा हो गया वो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया वो हमारा हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका एच बाई पी। इसके बाद हमारा है सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच बाई बी, और टेन थीटा का अपोजिट है हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको बेसिक टर्म्स में याद रखनी है, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ाई तो आपको करनी है, और पढ़ाई करोगे तभी कुछ अचीव कर पाओगे, वरना टाइम पास तो हो ही रहा है और होता ही रहेगा, ठीक है। अब लेवल आपको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे वो आपको खुद डिसाइड करना है, सिर्फ आपको टीचर रास्ता दिखा सकता है कि कैसे चलना है, चल के थोड़ी बताएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की बात करें तो हमारा जो वैल्यूज होती है वो साइन, जो हमारा कॉस और टेन, अगर ये वैल्यूज आपको पता हैं तो आप बाकी वैल्यूज खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन जीरो हमारा जीरो, साइन थर्टी वन बाई टू, देन साइन फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी वन, इसी को उल्टा कर दोगे तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, और साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो टेन थीटा होता है दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और जो हमारा कॉट थीटा होता है दैट इज कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, जब एंगल 37 डिग्री का होगा तो साइन 37 कितना आ जाएगा, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3 बाई 5, कॉस 37 कितना हो जाएगा 4 बाई 5, और टेन 37 कितना हो जाएगा आपका 3 बाई 4। ऐसे यहाँ पे जब 37 मतलब 53 डिग्री का एंगल बने तो उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कितने होते हैं, यानी कि साइन 53 कॉस 53 और टेन 53 कितना होगा। तो यहां से आपको
साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 4/5, कॉस 53 कितना हो जाएगा 3/5, और हमारा जो टेन 35 है, सॉरी 53 है ना, 35 तो 37 तो ऊपर हो गया, 53 ये हो जाएगा आपका 4/3। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, 3, 4, 5, 37 में 3, 4, 5 और 53 में 4, 3, 5, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज आपको फिजिक्स में बहुत जगह देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन, ठीक है, तो यहां पे थीटा क्या है, एंगल है, आर क्या है, रेडियस है, और एल क्या है, आर्क है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, तो एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब यहां पे पाई जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो 2 पाई होगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, पाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये रेडियंस है और ये डिग्री, रेडियंस है डिग्री में कन्वर्जन, पाई बाई 2 मतलब पाई कितना 180, 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90, पाई बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 60, पाई बाई 4 यानी 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज 45 डिग्री, और पाई बाई 6, 180 डिवाइड बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, ये आपको याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, तो यहां तक आज की क्लास में अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया चीज है, समझ में आया ही होगा, तो बाकी की चर्चा हम कल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और इसी चीज का रिवीजन आपको कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच।